हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है आगे बढ़ते रहना। तो किसी भी मीडियम में अगर कोई वेव चल रही है, उसकी इक्वेशन हमको निकालनी है, तो उसके लिए मान लीजिए यहाँ पर एक कोई वेव है जो कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। इस डायरेक्शन में कोई वेव चल रही है, संचरित हो रही है। तो यहाँ पर अब हमको देखना है कि जैसे मान लीजिए जितने भी इसमें पार्टिकल होंगे, जब वेव यहाँ पे प्रोपोगेट करेगी तो ये सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे। हमने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे ट्रांसवर्स वेव को लिया है, ट्रांसवर्स वेव, जिसका कि वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, ट्रैवलिंग वेव का मतलब होता है प्रोग्रेसिव वेव। तो सपोज कीजिए कि ये एक कोई मीडियम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और वेव, ट्रांसवर्स वेव का मतलब जो रस्सी होती है, डोरी होती है, उस पर के ऊपर जो वेव चलती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। सपोज कीजिए किसी समय पर्टिकुलर टाइम पर ये मान लो दो पॉइंट हैं ओ और ये पॉइंट है पी। ये पॉइंट का मतलब ये पार्टिकल यहाँ पे सिचुएटेड है। अब वेव कोई इधर से आ रही है ऐसे, इस तरीके से, तो ये आगे ऐसे धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी आगे की ओर। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल है, तो जब ये वेव यहाँ पे पहुँचेगी तो ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट करने लगेगा। हम इसको मान लेते हैं, इसको ओरिजिन, यानी सपोज करो एक्स इक्वल टू जीरो है ये, तो इसको ओरिजिन मान लिया, और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर कोई दूसरा पार्टिकल या दूसरा पॉइंट पी ले लिया। ठीक है, ये तो इस जगह पर सपोज करो टाइम है टी इक्वल टू जीरो, जब ओरिजिन माना है तो यहां पे टाइम को जीरो मान लीजिए। तो अब इस समय इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन। अब ये वेव जो है यहाँ से आगे समय के साथ बढ़ेगी, तो धीरे धीरे ऐसे चली जाएगी, इस तरीके से चलेगी और ये आगे बढ़ती जाएगी। तो ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अब ये देखिए इस जगह पर यानी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का वो हो गया ये आपका फॉर्मूला वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब ये जो वेव है वो तो आगे बढ़ती रहेगी टाइम के साथ साथ। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पर ये जो है इसने डिस्टेंस ट्रेवल की एक्स, और इसकी वेलोसिटी है वी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ पी पॉइंट तक पहुँचने में जितना टाइम लगा वो आप देख लीजिए, उसको निकाल सकते हो, डिस्टेंस टोटल ट्रेवल की एक्स और किस वेलोसिटी से इसने ट्रेवल की, वी वेलोसिटी से। तो ये हो जाएगा टाइम। तो यानी इतने टाइम के बाद में ये वेव यहाँ ओ से पी तक पहुँची। ठीक, अब ये भी, ये वाला जो पार्टिकल है ये भी ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो जितना ये जो है ऑसिलेट करेगा उतना ही ये भी करेगा, यानी इस पर जितना डिस्प्लेसमेंट था इस पर भी वही होगा। ठीक है, अब जरा यहाँ समझने वाली बात ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको टी टाइम और लगा। ठीक है, और ये टाइम है आपका एक्स अपॉन वी। तो अब ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट प्रारंभ करना शुरू कर देगा, ऑसिलेट करना, और यही काम
इतने टाइम के पहले ये वाला पार्टिकल कंप्लीट कर चुका है। इधर ध्यान दीजिएगा, यानी जो काम अब ये करने जा रहा है उसके भाई यहां से यहां तक का टाइम हुआ एक्स अपॉन वी, ठीक है। तो जो चीज अब ये करने जा रहा है पी वाला पार्टिकल, वही काम ओ वाला पार्टिकल इतने समय पहले कर चुका है। तो अब क्या करेंगे, यहां पे जो टी है उस टी की जगह पर हम रख देंगे ये वाला टाइम। तो यहां पे देखिए, तो यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो इसको दूसरे चीज में, डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट पी एट टाइम टी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एट ओ एट टाइम टी माइनस एक्स अपॉन वी। ये ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई भी काम, ये जो है जो काम इसने ओ ने किया उसके एक्स अपॉन वी के बाद में ही तो ये शुरू करेगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट इसका होगा वही इसका भी होगा। तो अब यहां पे देखिए ये कितना है, यहां पे टी माइनस एक्स अपॉन वी है, तो इस टी की जगह पे ये रख दीजिए, तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा, टी की जगह पे रख देंगे टी माइनस एक्स अपॉन वी, ये हो जाएगा आपका। और ये किसके इक्वल होगा, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा, वाई के इक्वल, ठीक है, ये हो जाएगा वाई। अब इसको जो है आप ब्रैकेट को खोल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा अपॉन वी इंटू एक्स, ब्रैकेट को खोल दिया आपने, तो ये आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा अपॉन वी इंटू एक्स। अच्छा, अब आप जानते हो कि ओमेगा जो होता है वो होता है टू पाई एन, टू पाई एन, और वी होता है एन लैम्डा। तो जब आप वैल्यू इसमें रखोगे तो ये आपको इक्वेशन, देखो ये ओमेगा अपॉन वी ये है कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक, और इसको डिनोट कर देते हैं के से। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जनरल इक्वेशन है प्रोग्रेसिव वेव की, वेयर ओमेगा इक्वल टू टू पाई एन, और एन होता है वन अपॉन टी, तो इसको हम लिख सकते हैं टू पाई अपॉन टी। और के क्या है, के देखिए के है ओमेगा अपॉन वी, तो ओमेगा अपॉन वी, ओमेगा की जगह पे क्या हो जाएगा टू पाई एन, और v इक्वल टू होता है n लैम्डा, n n कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 पाई बाई लैम्डा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई लैम्डा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई बाई टी। तो ये वैल्यू आप रख करके कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये जनरल, इसमें जनरल फॉर्म है इसका। अब इसी के आगे हम लोग इसको एम्पलीट्यूड, वो सॉरी लेमडा यानी वेवलेंथ के फॉर्म में, टाइम पीरियड के फॉर्म में इसको हम लोग डिफरेंट फॉर्म दे सकते हैं, तो ये आपकी अलग अलग इक्वेशन बन जाएंगी, जैसी आपकी प्रॉब्लम होगी क्वेश्चंस में आप उसके हिसाब से उसको रख सकते हो। थैंक यू।